अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एमडीकेट 2023 फिजिक्स के जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने यूनिट पर आ जाते हैं। जो यूनिट हमारे पास है मोशन एंड फोर्स, इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, हम कोशिश करेंगे कि उन सबको इन डिटेल डिस्कस करें और आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज निकल सकते हैं वो बहुत आसानी से क्लियर करवाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट को, और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेस्ट। देखेंगे रेस्ट से क्या मुराद है कि नो चेंज इन पोजीशन। जब पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट के चेंज नहीं आएगा तो वो हमारे पास बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, यानी कि वी हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। फिर इसी के साथ आ जाता है हमारे पास मोशन। अब मोशन क्या है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के हवाले से, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से पोजीशन में चेंज आए तो इट मीन्स के ऑब्जेक्ट या बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन सिंपली, जिसमें वी जो है वो जीरो के बराबर ना हो, कंटिन्यूसली मोशन करता रहे। अब है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। देखेंगे ये आपस में क्या है, एक दूसरे से आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो रेस्ट एक्चुअल में, कोई बॉडी रेस्ट में नहीं होती, एक्चुअल में बॉडी हमेशा मोशन के स्टेट में ही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि वो किस तरीके से देख रहा है। जैसे देखेंगे ना डेफिनेशन में, अगर फिर मिसाल के तौर पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन में मेरे करीब जो बॉडी है वो रेस्ट में नहीं है। जैसे फॉर सपोज हम एक कार में बैठे हुए हैं। अब कार में हम बैठे हुए हैं, कार बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट स्पीड वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, और अब मेरे साथ मेरे बराबर में जो पर्सन बैठा हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू मी कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू मी वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। लेकिन अगर आप मुझे और उस पर्सन को गाड़ी के बाहर से देख रहे हैं तो गाड़ी तो मोशन में है, और फिर उस लिहाज से आपके रेफरेंस पॉइंट से हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। हमारी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम किस स्टेट के अंदर हैं, हम मोशन के स्टेट में। तो आप देखेंगे जैसे रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है उसी तरीके से हमारे पास रेस्ट एंड मोशन को भी डिफाइन किया जा रहा है। तो होप सो कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव है। अब देखेंगे द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ होती है लेंथ की दो पॉइंट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, फाइव पाथ हैं। सो मेनी वेज और भी हो सकती हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, ठीक है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं। आप देखेंगे ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, 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 और ये वाला पाथ भी जो है वो हमारे पास डिस्टेंस को ही शो कर रहा है। ये सब के सब एक्चुअल पाथ्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पाथ में से मुझे ये बताएं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किसके पास है, तो आप देखें कि हम अगर पाथ इसको सपोज कर लेते हैं, पाथ वन को देखें, तो पाथ वन में भी जो है वो हमारे पास डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, पाथ टू में भी हमारे पास डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, पाथ फोर में भी हमारे पास डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, पाथ फाइव में भी हमारे पास डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। पाथ थ्री एक ऐसा पाथ है जिसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही, और डायरेक्शन चेंज ना होने की वजह से ये पाथ थ्री जो है वो इन सबसे छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। छोटा डिस्टेंस क्यों है, बिकॉज के पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो जब हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन को जब हम ऐड कर दें,
तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये सब तो हमारे पास डिस्टेंस हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं सबके सब पाथ्स को, लेकिन पाथ थ्री के पास एक अलग जो है वो यूं कह लेंगे एडवांटेज यूं कह लेंगे है वो ये कि इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से हमारे पास जो डिस्टेंस भी आ रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। तो अब हम डिस्टेंस प्लस पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या नाम देंगे, हम पर्टिकुलर डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस को नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके बाद द चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक और डेफिनेशन आ गई कि जो चेंज इन पोजिशन आएगा उसे भी हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आप देखेंगे ए से बी तक चेंज इन पोजिशन ही आया ना, तो हम चेंज इन पोजिशन को भी डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। अब देखें यहाँ पर कि हमारे पास एक बॉडी है जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर किया, ये इसका एक्चुअल पाथ है। हमने एक्चुअल पाथ को क्या नाम देना है, हमने एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस का नाम देना। अब अगर मैं इसे पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें ओरिजिन से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन यही है। तो मैं जैसे ही इनको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये हमारे पास पॉइंट ए ओरिजिन से कनेक्ट हुआ तो ये आर वन हो गया, यानी कि पोजीशन वेक्टर वन हो गया, और ये जो बी है इससे मैंने ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया तो ये पोजीशन वेक्टर टू हो गया, यानी कि आर टू हो गया। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पाथ था, जबकि ये जो हमने देखा ये ए से लेकर बी तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो ए है ए के हेड के साथ डिस्प्लेसमेंट का टेल कनेक्ट है। क्लियर, तो ये जो ए और डी हेड टू टेल रूल को ओबे कर रहे हैं, तो ये आर टू जो है ये आर टू इनका क्या आ रहा है, ये आर टू इनका रिजल्टेंट आ रहा है। ठीक है, बिकॉज के रिजल्टेंट के लिए भी हमें क्या है कि टर्मिनल इस जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टर्मिनल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट है, तो ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली लाइन हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगी। और रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, तो आर टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर वन प्लस डी के बराबर आ जाएगा। लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या होगा कि आर वन यहाँ पर प्लस कर रहा है, अगर मैं इसे इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊँगा तो वो माइनस करना शुरू कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर टू माइनस आर वन, जिसे मैं कह सकता हूँ पोजीशन वेक्टर टू माइनस पोजीशन वेक्टर वन। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें क्या है कि यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ हैव अ सेम यूनिट एंड डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों का यूनिट सेम है और इनकी डायमेंशन भी क्या होगी, दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। अब दोनों की डायमेंशन सेम क्यों होगी, बिकॉज के दोनों ही हमारे पास डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, बस डिस्प्लेसमेंट ये है कि डिस्टेंस के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है। अच्छा, अब इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी नेचर में लेंथ आ जाती है, तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, और अगर इसे हम एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो एम नॉट एल वन और टी नॉट हो जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्टेंस एक स्केलर क्योंकि इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज के डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चाहिए। तो डिस्टेंस एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है
वो ये है कि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज और डिक्रीज। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास हमेशा इंक्रीज करेगा, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो समटाइम्स इंक्रीज और समटाइम्स डिक्रीज होगा। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस भी हैं और रिमेंबर भी रखना है इन्हें कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। ये बातें याद रखनी है आपने, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इसके तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब आप देखेंगे डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी ऐसे लीनियर मोशन कर रही है, तो लीनियर मोशन करते हुए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल में जा रहा है, तो आप देखेंगे सेमी सर्कल में तो ये इसका डिस्टेंस आ गया, एक्चुअल पाथ आ गई, जबकि ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, जब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता। और इसके बाद इफ बॉडी इज इन मोशन एंड डी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बॉडी मोशन में है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर ना हो जबकि डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर हो, तो ये कंडीशन भी नहीं बन सकती, तो हम इसे भी कहेंगे कि ये हमारे पास नॉट पॉसिबल। फिर इसके बाद इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो के आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो डी है डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो से बढ़कर भी हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर भी हो जाएगा और ज़ीरो से कम भी हो सकता है। अब क्या करेंगे हम कि आप देखें यहाँ पर कि डी वेक्टर डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर जब हम बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं या बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो से लेस देन होगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जब हम स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड मोशन में ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो से कम क्यों है। और फिर जब हमारे पास क्लोज पाथ हो, क्लोज पाथ में देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और घूम के दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो चेंज इन पोजीशन तो हमारे पास आएगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जो है वो उसी पॉइंट पर आके रुकना है जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब डिस्टेंस ज़ीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर ना हो, अगर बॉडी मोशन में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर बॉडी मोशन में है और हमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट भी किसके बराबर होगा, वो भी ज़ीरो के बराबर ही होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फिर डिस्टेंस भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, वो या तो ज़ीरो से, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पीड पर। ये तो हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था, होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं स्पीड पर। तो स्पीड हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें स्पीड बताता है। एक्चुअल में स्पीड क्या है, ये बात आप नोट भी करता रहिएगा, स्पीड एक्चुअल में कंपैरिजन है बिटवीन टू बॉडीज, कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा ट्रेवल कर रही है वो हमें कौन बताता है, वो हमें स्पीड बताती। दूसरी बात ये
कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या है, स्पीड। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि हम इस वक्त प्री एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। अगर मैं डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, वो स्पीड के बराबर आ जाती है। मैथमेटिकली यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये कि इस वी के ऊपर एरो नहीं है, आपने ये एरो नहीं देना, और वी हम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा डी अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आ गया। यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। डायमेंशन इसकी अगर हम एम एल टी के फॉर्म में लिखें तो एम ज़ीरो एल वन और टी इनवर्स वन के बराबर हो जाएगी, या तो एल अपॉन टी हम सिंपल करके भी इसे लिख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं वेलोसिटी पर। आप देखेंगे दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है, स्पीड हमारे पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने आपको कहा ना कि अगर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में से पर्टिकुलर डायरेक्शन को हटा देते हैं तो जस्ट डिस्टेंस बचता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड के बराबर। और इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर। इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब यहाँ पर हम वेक्टर एरो रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। इसका यूनिट भी हमारे पास मीटर अपॉन सेकेंड ही आएगा, जिसे हम सी जी एस सिस्टम में सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन वही सेम जैसे कि हमारे पास स्पीड के साथ। अब यहाँ से ये जो पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, इन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आप नोट भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि काइंडली जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ मुझे इतना चाहिए कि आपने हर मेरी वीडियो को जो कि एमडीकेट से रिलेटेड है उसे लाइक शेयर एंड कमेंट तो लाजमन कर रहे हैं, बिकॉज के मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके लिए भी छोड़ा है, तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे और आपको जो है वो उसका रिवार्ड भी इंशाल्लाह फिर अच्छा ही मिलेगा। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, हमारे पास सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, और फिर जो वेलोसिटी यहाँ पर होती है वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी कि सेम रह जाती है। वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि जा तो स्पीड में चेंज आएगा या डायरेक्शन में चेंज आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में हमेशा चेंज दोनों में से किसी एक के चेंज होने पर आ जाता है। दोनों से मुराद देखें, जा तो मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए, स्पीड मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, तो या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या तो डायरेक्शन में चेंज आ जाए। मैग्नीट्यूड से में डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, डायरेक्शन से में मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, इसको वी एवरेज करके लिखते हैं, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस कवर होगा उसको उसके टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड देगा। इन मोशन, अगर हम मोशन में हैं तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड जीरो के बराबर नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा, रिमेंबर। फिर आ जाते हैं हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया उसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ, तो फिर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर आ सकता है।
और फिर जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 के बराबर आ सकती है। जैसे कि क्लोज पाथ, आप देखेंगे क्लोज पाथ में पोजीशन चेंज होती नहीं है, ऑब्जेक्ट दोबारा वहीं आ जाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर 0 के बराबर तो वी एवरेज भी किसके बराबर, वो भी 0 के बराबर। तो ये बात याद रखनी है कि एवरेज स्पीड कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर होती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें यहाँ पर कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है उससे हमने ऊपर थ्रो किया, ऊपर थ्रो करने के बाद ये 8 मीटर की हाइट पर पहुँचे, जबकि इसको जो टाइम लगा है वो हमें वो लगा है 4 सेकेंड। और फिर जब दोबारा ये ऊपर से नीचे आया है तो वही 8 मीटर कवर किए और जो टाइम लगा वो 4 सेकेंड लगा। तो आप देखेंगे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 8 + 8 = 16, और टोटल टाइम कितना हुआ, 4 + 4 = 8, तो 16/8 = 2 m/s। ठीक है, तो देखेंगे एवरेज जो स्पीड आई वो एवरेज स्पीड क्या आई, 2 m/s, लेकिन और एवरेज स्पीड 0 के बराबर नहीं आई। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था दोबारा उसी पॉइंट पर आकर पहुंचा है, तो जब दोबारा इसी पॉइंट पर आकर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 के बराबर हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। ये बातें आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर हमें रिमेम्बर रखना है कि व्हेन एवरेज वी एवरेज इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस देन मोशन इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में बराबर हैं, या एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड आपस में बराबर है, तो जो मोशन होगा वो हमारे पास किस में होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। इसे आप फिलहाल ना ही लिखें तो बेहतर है, कि हमारे पास एडिशनल है। ये रिमेम्बर वाला पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़नी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ हमने एमसीक्यूज करने हैं। तो एमसीक्यूज के लिए ये सारी बातें जो इस तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास कुछ केसेस हैं और वो केसेस हमारे पास एवरेज स्पीड के हैं। अब इन एवरेज स्पीड के केसेस को हमने डिस्कस करना है। आप देखें कि ये एक बॉल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, इससे जो टाइम लगा उसे हमने T1 के साथ लिखा। दोबारा जब ये बॉल फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आया तो जो टाइम इसे रिक्वायर हुआ वो हमने लिखा T2। अब आप देखें कि यहाँ पर जो केस है, इस केस में क्या है कि डिस्टेंस बराबर है लेकिन टाइम बराबर नहीं है, T1 < T2। जिस स्पीड के साथ ये यहाँ तक गया उससे दुगनी स्पीड में ये वापस आए, यानी कि जो T1 है वो ज़्यादा टाइम है और T2 जो है वो कम टाइम, यानी कि जो टाइम लगा ए से बी तक वो ज़्यादा था और जो बी से ए तक का जो टाइम लगा वो कम था, तो टाइम इक्वल तो नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। अब जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि D1 + D2 = T1 + T2। अब यहाँ पर आप देखेंगे D1 = D2 = D, बिकॉज के डिस्टेंस तो इक्वल था ए से बी तक या बी से ए तक, डिस्टेंस तो सेम है, तो हमने यहाँ पर इसको D + D करके लिख दिया डिवाइडेड बाय T1 + T2, बिकॉज के टाइम इक्वल नहीं है। अब हमें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के, और मुझे टाइम की इक्वेशन चाहिए, तो ये जो वी मल्टीप्लाई कर रहा है = के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो T = D/V हो जाए, जिससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन T1 और T2 की पॉइंट्स पर, तो 2D हो जाएगा, पर D + D 2D डिवाइडेड बाय यहाँ पर T1 की जगह पर आ जाएगा D1 / V1 + T2 की जगह पर आ जाएगा D2 / V2। अब देखेंगे D1 D2 आपस में बराबर हैं तो इन्हें हमने D करके लिखा, और D करके लिखेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 2D तो सही है, डिवाइडेड बाय D कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1/V1 + 1/V2, दोनों ही जो है वो हमारे पास
फ्रैक्शन के अंदर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के अंदर है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। आप देखेंगे इस डी के साथ ये डी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा टू, यहाँ पर नीचे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा वी वन वी टू। अब वी वन का टेबल वी वन पर वन टाइम जाएगा, जबकि वी टू फिर इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा और वी टू आ जाएगा। फिर प्लस है, वी टू का टेबल वी टू पर आ जाएगा और वी वन फिर इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर वी वन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास, अब आप देखेंगे जो वैल्यू वी वन वी टू है वो डबल डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे ऊपर ले जाकर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं इसे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। अब ये तो हमारे पास था केस वन। अब आ जाते हैं हम केस टू पर। अब केस टू में हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस इक्वल नहीं है जबकि टाइम इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस हमारे पास इक्वल नहीं है लेकिन टाइम हमारे पास इक्वल है, और अब जब टाइम इक्वल है तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि वी एवरेज इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। वही हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ पर टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी, और नीचे जो है वो हमने पीछे भी पढ़ा है कि वी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे कि वी एवरेज में इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप देखेंगे जब डी वन है उसकी जगह पर मैंने वी वन मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया, प्लस वी टू मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया, डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू। हमारे पास टी के बराबर है तो हमने टी वन प्लस सॉरी टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी के बराबर, तो मैंने यहाँ पर टी वन की जगह पर भी टी लिखा और फिर प्लस टी की जगह पर भी टी रखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर टाइम तो सेम है, इक्वल है, तो टी हमने वैसा का वैसा रखा और फिर नेक्स्ट स्टेप ने हमें इसे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये हो गया वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो वी एवरेज जो है वो हमारे पास क्या जाएगा वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। ये इक्वेशंस याद रखनी है, इनके बिहाफ पर हमने क्या करना है, हमने इक्वेशंस हमने एमसीक्यूज को जो है वो सॉल्व करना। तो जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, टाइम इक्वल होगा, तो हम जो एवरेज स्पीड मालूम करेंगे वो इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम करेंगे। इसके बाद हमारे पास केस नंबर थ्री है, और इस केस नंबर थ्री में हमारे पास क्या है, ना तो डिस्टेंस इक्वल है ना टाइम इक्वल है, तो हम किसे मालूम करेंगे, हम डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके मालूम करेंगे। फिर केस नंबर फोर में डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है, तो हमने पीछे पढ़ा भी है ये कि जब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये हमेशा आपने याद रखनी है कि ये हमेशा टेंजेंशियल होगी। जिस लम्हे की हम मालूम कर रहे हैं वो हर एक लम्हे पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। और जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, या हम इसे वेलोसिटी भी कह लें, तो इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल रहेगी, जबकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान में भी रखनी है, और ड्यूरिंग एमसीक्यूज जब हम ये सॉल्व कर रहे होंगे, एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी। अब हमारे पास आ जाते हैं एक्सेलरेशन पर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि तेजी प्रोड्यूस करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग वेलोसिटी और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेलोसिटी की जो सॉरी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अलोंग होती है या तो फोर्स के अलोंग होती है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बिकॉज वी नो डेट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यूनिट इसका क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन।
नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है उसे हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस ए के साथ। सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आपने ये मालूम करना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। आप देखेंगे जब हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, कम हो रही होती है। एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कम होकर वो नीचे आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसे हम माइनस जी करके लिखें, और जब नीचे आएगी तो वही स्पीड वही वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, क्लियर। अब आपको वो डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा होगा कि जब हमने ऊपर फेंका है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से कम क्यों है। डिस्प्लेसमेंट जीरो से कम इसी वजह से होगा बिकॉज के डाउनवर्ड भी आना है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद हम काफ़ी मरतबा मिस्टेक ये करते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। तो जब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन आपने देखा है, अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो कंटिन्यूसली उसमें हर एक इंस्टेंट पर 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उस पर हर एक पॉइंट पर जो चेंज इन एक्सेलरेशन या जो एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, या यूं कह लेंगे जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा होता है वो हमारे पास कांस्टेंट हो रहा होता है। इसी तरीके से जब बॉल डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर आ रहा है वो भी कांस्टेंट आ रहा है, जिसकी वजह से कांस्टेंट से मुराद के यूनिफॉर्म आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म ना हो, एज लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पता है कि मीन टू एक्सट्रीम फिर नेगेटिव और एक्सट्रीम तक उनका मोशन हो रहा होता है, तो कंटिन्यूसली डायरेक्शंस चेंज हो रही होते हैं, और जब डायरेक्शंस चेंज हो रही हो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जब डायरेक्शंस चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन होगी वो भी चेंज होगी, जिसके बिहाफ पर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे मालूम करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे टोटल चेंज इन वी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फिर हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से क्या मुराद के एक लम्हा, किसी भी लम्हे में हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसे हम उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पर टाइम लगभग ज़ीरो के बराबर होता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता, तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोच टू ज़ीरो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमारे पास स्पीड था, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन था। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा जर्क के, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा मीटर पर सेकंड क्यूब। अब यहाँ पर वी एंड ए के कुछ केसेस हैं, यह हमें मालूम याद रखने कि जब वी और ए आपस में पैरेलल होंगे
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंटी पैरेलल की जगह हम बात करें तो एंटी पैरेलल में क्या होगा, जैसे अगर एक मूविंग कार है और वो सडन से अप्लाई करती है ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होगा कि वेलोसिटी तो उसकी अपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर ये दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाएंगे और जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर वी और ए के बीच में स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच में टेंजेंशियल आ जाता है, यानी कि 90 का एंगल बन रहा होगा, तो हमें ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। और ए इज इक्वल टू मैक्सिमम और वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू जीरो, ये तभी हो सकता है जब हम वाइब्रेटरी बॉडी लें और एट एक्सट्रीम पोजिशन लें। हमने सिंपल हारमोनिक मोशन को पढ़ा हुआ है कि जब हम बॉडी पर इलास्टिक बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन होती है। तो स्पीड चाहे जीरो के बराबर हो लेकिन एक्सेलरेशन उसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजिशन पर। और फिर इसी तरीके से जब मीन पोजिशन होती है तो एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हो जाती है लेकिन जो स्पीड है ड्यू टू इनर्शिया वो स्पीड जो है वो जीरो के बराबर नहीं होती। तो ये मीन पोजिशन और ये एक्सट्रीम पोजिशन के केसेस आ गए। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हम यूँ कह सकते हैं कि वी हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होता लेकिन एक्सेलरेशन वहाँ पर जीरो के बराबर होती है। तो होप सो के यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या और वेलोसिटी